हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आरुषि है। हम डिस्कस कर रहे हैं 2017 की टॉप 15 न्यूज़। ऑलरेडी इससे पहले के वीडियो में हम टॉप 10 न्यूज़ डिस्कस कर चुके हैं। आइए इसे आगे कंटिन्यू करते हैं। और इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, हम उन्हीं न्यूज़ को लेके आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है। वो अकॉर्डिंग टू मंथ्स नहीं पूछे जाते कि लास्ट 3 मंथ्स, लास्ट 6 मंथ नहीं। अगर वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो नेक्स्ट ईयर की भी पूछ ली जा सकती है। तो यहाँ पर हम उन्हीं न्यूज़ पर डिस्कशन करेंगे जो हमारे एग्जाम में रिपीट हो सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं 11 नंबर की न्यूज़। यहाँ पर बात की गई है इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े। तो यहाँ पर बात की गई है इसरो ने 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़ने की घोषणा की है। यह 104 जो उपग्रह हैं भारत के अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र द्वारा 15 फरवरी को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष क्षेत्र से प्रक्षेपित किए जाएंगे। इन 104 उपग्रहों में से 101 विदेशी उपग्रह हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन हमारा बनता है कि 104 में से कितने विदेशी उपग्रह हैं, तो 104 में से 101 विदेशी उपग्रह हैं। इसरो मीन्स भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने के अनुसार उपग्रहों को सुबह 9 बजे प्रक्षेपित करने की घोषणा की गई है। यह उपग्रह अंतिम रूप से पृथ्वी से करीब 500 किलोमीटर ऊपर सूर्य समकालिक कक्ष में प्रस्थापित किए जाएंगे। यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है कि ये उपग्रह कितनी दूरी पर, तो ये उपग्रह हैं वो अंतिम रूप से पृथ्वी से करीब 500 किलोमीटर ऊपर सूर्य समकालिक पर कक्ष में प्रतिस्थापित किए जाएंगे। तो यहाँ से जो हमारे क्वेश्चन बने, सबसे पहले इसरो ने कितने सैटेलाइट छोड़ने की बात की, 104, उसमें से कितने विदेशी हैं, 101, और कितनी दूरी पर, तो 500 किलोमीटर ऊपर सूर्य समकालिक कक्ष में प्रतिस्थापित किए जाएंगे। और कहाँ से इन्हें, तो 15 फरवरी को श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किए जाएंगे। 2017 की है इसलिए यहाँ पे किए जाएंगे। आइए इसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट न्यूज पर। भारत मानव विकास सूचकांक में 131वें पोजीशन पर है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लिस्ट होती है, चाहे आर्थिक विकास मंच हो या फिर सूचकांक हो या फिर अदर कोई रिपोर्ट आती है, तो उसमें इंडिया की पोजीशन जरूर पूछ जाती है। उसमें कंफ्यूज जाते हैं इतनी सारी रिपोर्ट के अनुसार कौन सी रिपोर्ट में इंडिया कौन सी पोजीशन पर था। तो यहाँ पर इतना याद रखिएगा, यहाँ पर बात की गई है भारत मानव विकास सूचकांक में इंडिया का जो पोजीशन है 131 वे पोजीशन पे है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 188 देशों के लिए तैयार की गई। अब ये रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की गई, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे बनता है यूएन द्वारा। और इसमें कितने कंट्रीज को यहाँ पे शामिल किया गया, तो 188 कंट्रीज के लिए तैयार की गई मानव विकास सूचकांक सूची में भारत को जो स्थान मिला है वो 131 पोजीशन मिली है। एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश भारत इस मामले में पाकिस्तान, भूटान और नेपाल जैसे दक्षिण एशिया पड़ोसी देश की श्रेणी में शामिल है। वर्ष 2015 के लिए तैयार की गई इस मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक भारत की रैंकिंग पिछले साल के बराबर ही रही। अगर बात की जाए तो 2015 में जो रिपोर्ट तैयार की गई थी उसके अकॉर्डिंग भारत की जो पोजीशन है वो बराबर ही है। हालांकि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामलों में चीन और भारत जैसे देश को ही तरजीह मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र की वर्ष 2014 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत 131वें पायदान पर था। अगर बात की 2014 की मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भी भारत 131 पायदान पर था। तो यहाँ पर जो हमारे लिए क्वेश्चन बना, सबसे पहले यूएन द्वारा रिपोर्ट तैयार की गई, कितने कंट्रीज इसमें शामिल थे, 188, किस तरीके की रिपोर्ट थी, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट थी, इसमें 188 में इंडिया की पोजीशन कितनी है, 131, और 2014 में भी इसकी एक पोजीशन थी। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। दादर में चली भारत की पहली स्वदेश निर्मित ट्रेन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे बात के लिए। दादर में चली भारत की पहली स्वदेश निर्मित ट्रेन। भारत की पहली स्वदेश निर्मित ट्रेन मेघा को, नाम याद रखिएगा मेघा को, 18 मार्च 2017 को मुंबई से दादर में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह ट्रेन बांद्रा से होती हुई अंधेरी तक गई। तो यहाँ पर जो हमारा मेन क्वेश्चन यहाँ पर जो बन रहा है कि
भारत की पहली स्वदेश निर्मित ट्रेन कहाँ से चली? तो भारत की जो स्वदेश निर्मित ट्रेन है वो दादर से हरी झंडी दिखाकर उसे रवाना किया गया और ट्रेन बांद्रा से अंधेरी होती हुई अंधेरी तक पहुंची। और ये कब चली? 18 मार्च को ये इसको स्टार्ट किया गया और ट्रेन का नाम मेगा। इसमें कितने कोच है? 12 कोच वाली इस ट्रेन को मेक इन इंडिया कैंपन के तहत बनाया गया। अब ये जो ट्रेन है वो किस कैंपन के तहत बनी? मेक इन इंडिया के तहत बनी। उसमें कितने कोच है? 12। इसे रेल मंत्री सुरेश प्रभु द्वारा केंद्रीय एवं पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक, अब यहाँ पे आपको ये एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखना है, केंद्रीय एवं पश्चिमी रेलवे के महाप्रबंधक डीके शर्मा की मौजूदगी में रवाना किया गया। इसका उद्देश्य क्षेत्र में रेल नेटवर्क को बढ़ाना तथा लोगों को बेहतर सुविधा प्रदान करना। अगर देखिए जिस ट्रेन को उन्होंने लॉन्च किया है, लेके आए स्वदेश निर्मित, तो इसका क्या एम है? तो हम सभी को मालूम है जो रेल नेटवर्क है उसको बढ़ाने के लिए और जो रेल की फैसिलिटी है और उसको इम्प्रूव करने के लिए इसको लाया गया। तो यहाँ से रिलेटेड हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि हम आपसे कह रहे हैं ये ऐसे क्वेश्चन हैं इनको वो अकॉर्डिंग टू टाइम नहीं, अकॉर्डिंग टू इनकी जो इम्पोर्टेंस है उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। नेक्स्ट न्यूज है हबीबगंज देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन बना। यहाँ पे बात की गई है हबीबगंज देश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन है। अगर प्राइवेट रेलवे स्टेशन की बात करें तो आपको ये नाम लगना चाहिए। भारतीय रेलवे द्वारा मार्च 2017 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित, अब ये रेलवे स्टेशन कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल की बात की गई है, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन को पूर्ण रूप से पहले निजी रेलवे स्टेशन के तौर पर विकसित करने का निर्णय किया लिया गया है। भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे स्टेशन की देखरेख के समस्त अधिकार प्राइवेट कंपनी बंसल ग्रुप को सौंप दिए गए। अब यहाँ पर एक और पॉइंट मान्य बनता है कि यहाँ की जो सारी देखरेख है वो किसे सौंपी गई है? तो बंसल ग्रुप को ही सौंप दी गई है। इस स्टेशन पर रेलवे केवल गाड़ियों का संचालन करेगी तथा रेलवे स्टेशन का संचालन प्राइवेट कंपनी बंसल ग्रुप करेगी। यहाँ पे बात की गई, अगर हम इस स्टेशन की बात करें तो इस स्टेशन पर रेलवे केवल गाड़ियों का संचालन करेगी, गाड़ियां प्रोवाइड करेगी और रेलवे स्टेशन का संचालन, और रेलवे स्टेशन की बात करें उसका सारा देखरेख किसके पास है? बंसल ग्रुप के पास है। भारतीय रेलवे ने बंसल ग्रुप के साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP का अगर मतलब पूछा जाता है PPP तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत समझौता किया है। तो मीन्स ये समझौता PPP के अकॉर्डिंग हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। आइए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान का शुभारंभ किया। यहाँ पे बात की गई है जो हमारे PM है मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम कौन सी है? उड़ान का आरंभ किया है। नरेंद्र मोदी ने शिमला में, अब यहाँ पर आपको ये नाम याद रखना है कि कहाँ से, नरेंद्र मोदी ने शिमला में 27 अप्रैल 2017 को बहु प्रतीक्षित उड़ान योजना का शुभारंभ किया। उड़ान योजना के तहत शिमला दिल्ली मार्ग पर स्थित उड़ान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। सिविल एविएशन की रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम RCS, अब जो भी इस तरीके के वर्ड्स हमारे न्यूज में आते हैं उसमें इसका फुल फॉर्म जरूर पूछा जाता है। RCS का फुल फॉर्म रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम या उड़ान स्कीम को जो है अक्टूबर में सरकार ने लॉन्च किया था। ये सिविल एविएशन पॉलिसी 2016 का हिस्सा, अगर बात की जाए कि कब इसे लॉन्च किया तो इसको कब से स्टार्ट करने की बात की गई थी, तो 2016 का ये हिस्सा था, 2017 में इसे लॉन्च किया था। उड़ान से पता चल रहा है कि उड़ने की बात की जा रही है, उड़ान मतलब कि यहाँ पर ट्रेन तो होगी नहीं, यहाँ पे किसकी बात की? ट्रेन की, एविएशन की बात की जा रही है। तो और ये कहाँ कहाँ से? शिमला से दिल्ली के बीच की बात की जा रही है। आइए इससे रिलेटेड और जानते हैं। यह योजना पूर्ण रूपेण क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना पर केंद्रित है और ये वैश्विक रूप से अपने तरह की पहली योजना है। इस रूट पर एयरलाइंस एयर ने टैक्स समेत किराया 2036 रुपये निर्धारित किया है। अगर बात की जाए यहाँ का जो ये शिमला से दिल्ली का जो रूट है वहाँ का जो किराया डिसाइड किया गया एयरलाइंस के द्वारा 2036 रुपीज़ डिसाइड किया गया है, टैक्स इंक्लूडेड है इसमें।
आइए नेक्स्ट न्यूज है, भारत एलपीजी आयात करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बना है। बात की जाए एलपीजी की तो एलपीजी आयात मतलब यहाँ पर अब भारत में सामान आ रहा है, तो जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश बन गया है। पेट्रोलियम योजना एवं वैश्विक सेल द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भारत विश्व में दूसरे स्थान पर पहुंच गया। अब यहाँ पर ये आपको याद रखना है, एक तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन कि एलपीजी आयात में भारत का नंबर दूसरे नंबर का है, और ये किसके द्वारा, तो पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण सेल द्वारा PPAC द्वारा जारी जानकारी के अनुसार भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया। किसको पीछे छोड़ के, जापान को। पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण सेल के अनुसार 2016-17 में भारत में एलपीजी का उपयोग 23% अर्थात 11 मिलियन टन की वृद्धि हुई है। भारत द्वारा छुए गए इस आंकड़ों का कारण केंद्र सरकार द्वारा स्टार्ट की गई निशुल्क एलपीजी कनेक्शन सेवाएं। अगर बात की जाए जो एकदम से ये एलपीजी का आयात जो बढ़ा है उसका कारण क्या है, तो केंद्र सरकार ने जो एलपीजी के निःशुल्क कनेक्शन की बात की गई है उसके द्वारा ये आंकड़े बढ़े हैं। इन सेवाओं में केंद्र सरकार द्वारा बेहद विषम आर्थिक परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन देना शामिल किया है। मींस महिलाओं को ये गैस सुविधा दी जाएगी, जो जिनके पास गैस नहीं है, जो चूल्हे पर खाना बनाते हैं, उनकी हेल्थ को अफेक्ट करता है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए उन्होंने निःशुल्क गैस एलपीजी कनेक्शन सेवा आरंभ की है। इस वजह से जापान को पीछे छोड़कर भारत एलपीजी आयात में दूसरे स्थान पर आ गया है। बात की जाए नेक्स्ट मई न्यूज़ की, भारत ने जल से जमीन पर मार करने वाली पहली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया। यहाँ पे बात की गई, देखिए यहाँ पे पहला शब्द आ गया तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि भारत ने जल से जमीन पर मार करने वाली पहली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण किया है। भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के समुद्र से जमीन पर मार करने वाले संस्करण का पहला सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल समुद्र के अंदर से जमीन पर काफी दूरी तक लक्ष्य को सफलतापूर्वक भेजने में सक्षम है। लंबी दूरी की इस मिसाइल का परीक्षण नौसेना के युद्ध पोतेग से बंगाल की खाड़ी में किया गया। इसके परीक्षण हेतु जमीन पर एक लक्ष्य निर्धारित किया गया और इसे लक्षित कर मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। युद्ध की स्थिति में यह मिसाइल चीन और पाकिस्तान के कई इलाकों को अपनी जद में ले सकती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि इस मिसाइल का नाम क्या है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, भारत ने बना पहला औद्योगिक रोबोट ब्रावो का अनावरण। देखिए यहाँ पर जब भी हम कह रहे हैं फोर्स की बात आती है तो बोल भी हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट आती है। तो भारत में बना औद्योगिक रोबोट ब्रावो का अनावरण किया गया। TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने अप्रैल 2017 में अवधारणा डिजाइन एवं निर्माण के स्तर पर पूरी तरह से पहले भारतीय औद्योगिक रोबोट ब्रावो BRAVO का अनावरण किया है। ब्रावो का मतलब है ब्रावो रोबोट। इसे भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमित MSME के लिए स्वदेशी स्तर पर विकसित किया गया है। TL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस टाटा मोटर्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंस्टाग्राम पर विश्व के सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले नेता बने। अगर बात की जाए इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा जो सर्च किया गया है, जिनको फॉलो किया गया है, वो भारत के PM नरेंद्र मोदी जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को सबसे ज्यादा ढूंढा गया है, इंस्टाग्राम पर सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाले नेता बन गए हैं। उनको 70 लाख लोगों द्वारा फॉलो किया गया है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स की लिस्ट में ट्रंप अमेरिकी प्रेसिडेंट को 64 लाख फॉलोअर्स के साथ दूसरे स्थान पर रखा गया, जबकि पॉप फ्रांसिस तीसरे स्थान पर है, जिन्हें 37 लाख लोगों ने फॉलो किया है। ग्लोबल पब्लिक रिलेशन कंपनी वर्सन मार्ट टेलर ने पिछले 12 महीने की स्टडी के बाद सबसे ज्यादा फॉलोअर वाले नेताओं की लिस्ट निकाली। अगर बात करें ये लिस्ट किस तरह निकाली गई है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, ग्लोबल पब्लिक रिलेशन कंपनी वर्सन मार्ट टेलर ने 12 महीनों की स्टडी के बाद इस लिस्ट को निकाला है।
यहाँ पे बात की गई इस सर्वे में करीब 325 इंस्टाग्राम खातों का अवलोकन किया गया है, जिसमें कुल 48,705,021 फॉलोअर्स थे, जिसके तहत पिछले एक वर्ष में इंस्टाग्राम पर मौजूद 325 राष्ट्र अध्यक्ष, शासन अध्यक्ष और विदेशी मंत्रियों के खातों का अध्ययन किया गया। इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नंबर आता है। आइए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। भारत बांग्लादेश के मध्य रेल सेवा शुरू। यहाँ पे बात के लिए बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना और नरेंद्र मोदी के मध्य बीच में 8 अप्रैल 2017 को हैदराबाद हाउस में बायलेटरल मीटिंग हुई। दोनों नेताओं ने भारत और बांग्लादेश के मध्य रेल सेवा सुचारू करने पर सहमति जताई है और कोलकाता से खोलना तक बस सर्विस और इसी रूट पर एक पैसेंजर ट्रेन के ट्रायल रन को हरी झंडी भी दिखाई है। भारत बांग्लादेश के मध्य ट्रेन सेवा को काफी समय पूर्व वर्ष अगर बात की जाए 1965 में बंद कर दिया गया था पाकिस्तान युद्ध के दौरान, इसे बंद कर दिया गया था और फाइनली इसे अब बात की गई है फिर से चलाने की। तो यहाँ पर आप याद रखिएगा जो बात की जा रही है भारत और बांग्लादेश के मध्य रेल सेवा की बात की जा रही है। आई होप जो आज मैंने डिस्कशन किया प्रॉपर्टी की कुछ न्यूज पर वो आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट लगेगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज थी जैसे कि स्वदेश निर्मित ट्रेन का नाम लिखा और प्लस जो नरेंद्र मोदी द्वारा जो उड़ान लॉन्च की गई कहाँ से स्टार्ट की गई, इस तरह से स्टार्ट की गई, इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसरो कितनी एक साथ सेटेलाइट छोड़ने की बात कर रहा है तो 140 में से 101 विदेशी है, तो ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप माइंड में रखिए, रिवाइज करिए और इस रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो हम चाहते हैं जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो कि न्यूज रिलेटेड हम सभी के सभी आपके करेक्ट हों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स करना ना भूलें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।